और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है। अलकनंदा घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए परिवार को मनाया गया है। एसपी ने अंकिता के पिता से बात की, हालांकि स्थानीय लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अलकनंदा नदी के घाट पर अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंकिता भंडारी जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को नहर में फेंक दिया गया, इस मामले में तीनों आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया जा रहा है। परिवार पहले पोस्टमार्टम की डिटेल्ड रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार ना करने पर अड़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन ने उनसे बातचीत की, मनाया और परिवार अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार करने को राजी हो गया। और ये तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड के श्रीनगर से दिखा रहे हैं, जहां श्रीकोट गांव की ये तस्वीरें हैं। अंकिता इसी श्रीकोट गांव की रहने वाली थी, एक रिजॉर्ट में काम करने के लिए गई थी, लेकिन वहां पुलकित आर्य नाम के शख्स ने, जो कि रिजॉर्ट का मालिक था, उससे गलत काम कराना चाहा और जब अंकिता ने विरोध किया तो अपने साथियों के साथ मिलकर पुलकित ने अंकिता की हत्या कर दी। अंकिता भंडारी की हत्या के खिलाफ दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इस बीच अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस मामले को लेकर प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी सरकार पर विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा हो या आम आदमी पार्टी, लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं सरकार की ओर से यह भरोसा दिया जा रहा है कि एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी के पिता हैं विनोद आर्य, उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया है। आरोपी के भाई को भी पार्टी से निकाल दिया है बीजेपी ने। इस बीच गंभीर आरोप लग रहे हैं, आरोप ये लगाया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता का बेटा होने की वजह से पुलकित आर्य पर शुरुआत में कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन सरकार की ओर से ये सफाई दी जा रही है कि मामले की जांच तुरंत शुरू की गई और सही तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो डिटेल रिपोर्ट है, वो आने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। कल 4 घंटे लगभग पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चली और उसके बाद अंकिता के पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव ले जाया गया, उत्तराखंड के श्रीनगर का श्रीकोट गांव। और इस वक्त अलकनंदा के घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 19 साल की अंकिता, जिसने एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की, गरीब परिवार से आती है, अपने परिवार का समर्थन करने के लिए, अपने परिवार को सहारा देने के लिए 10,000 की नौकरी पर उसने रिजॉर्ट में काम शुरू किया था, लेकिन रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उससे गलत काम कराना चाहा और ये बातें अब चैट के जरिए, बातचीत के जरिए सामने आ रही हैं कि किस तरह से वो उसका शोषण करना चाहता था। संवाददाता राजू राज हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, अंतिम संस्कार करने को परिवार राजी नहीं था, लेकिन अब अलकनंदा के घाट पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है और परिवार को प्रशासन ने किसी तरह से मनाया है, और क्या अपडेट है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, बता दूं कि अलकनंदा घाट के पास ही हूं और यहां ऐसे ठीक लगभग 50 मीटर की दूरी पर जहां अंकिता का अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू हो गई है और कुछ ही देर में सूर्यास्त अस्त होने वाला, इसलिए कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके अंतिम संस्कार मुखाग्नि दे दी जाए और लगातार परिवार को मनाने की कोशिश यहां पर की गई है। और लगातार प्रशासन सुबह से ही परिवार के साथ टच में था और अंतिम वक्त लगभग 5 बजे के करीब परिवार उनके पिता को मनाया, और चूंकि डेड बॉडी डिकम्पोज्ड हालत में होनी हो जा रही थी, क्योंकि 5 दिन ऑलरेडी अंकिता का शव नहर में था, उसके बाद कल शव निकाला गया, पोस्टमार्टम किया गया, काफी देर हो चुका था, तमाम बातों को समझाया गया और उसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ और अब अंतिम संस्कार की तैयारी है वो शुरू हो गई है। जी चंदन। राजू, अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, उत्तराखंड में अंकिता की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, अब परिवार की मुख्य मांगे क्या हैं और प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं?
देखिए परिवार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो मांग की गई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अंकिता की आई है, जो शुरुआती आई है, डिटेल रिपोर्ट चाहिए, उसका खुलासा होने के बाद ही वो अंतिम संस्कार करेंगे, ये लगातार परिवार मांग कर रहा था। लेकिन जो लोग पूरे उत्तराखंड के अंदर अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि चूंकि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, सरकार को परिवार को मुआवजा देने चाहिए, 1 करोड़ की मुआवजा की मांग कही, परिवार में एक सदस्य को नौकरी की मांग की गई थी, और जो आरोपियों के खिलाफ केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट मिले जाए और जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मांग लगातार लोगों की तरफ से थी, परिवार की तरफ से भी था, लेकिन जो मुआवजे की मांग थी जो उनके समर्थक हैं उनके तरफ से किया जा रहा था। लेकिन वहीं सरकार ने भी ये आश्वासन दिया था कि आर्थिक रूप से परिवार को मदद की जाएगी, जो हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया था, और इसी बात को लेकर लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन परिवार की बहुत शुक्रिया राजू राज आपकी इस अपडेट के लिए, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें।